क्यों आप? आपके पिताजी ने एक और फरमाइश की है जी। कौन सी फरमाइश कर दी? ये कह रहे ना कल संडे है तो उन्हें मुर्गा और जाम चाहिए। बाबूजी 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 पाला गए। लेकिन ससुर जी इतना लड़खड़ा के क्यों चल रहे हैं? अरे मम्मी दो तीन पैग मार ली थे छत पे दादाजी ने। हाँ हाँ कुछ ऐसे भड़कीला सा गाना गाइए। आपका सब ठीक है ना करू? अरे देख ना बाबूजी के कहीं चोट तो नहीं आ गई। अरे पर इसे नाचने के लिए कहा किसने था? भगवान अब क्या होगा? अरे इतना क्यों टेंशन ले रही हैं आप? एक काम कीजिए कल इनका सोनोग्राफी करा दीजिए। हैं तो पता लग जाएगा कि कहीं पिताजी को चोट तो नहीं लगी। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ हैं। गुड आइडिया पिंकी अंकल। लाइफ में टेंटे हो रखे हैं। हिलू सेल्फी। बंद। क्या हुआ? साले क्या जरूरत थी तुझे उमराऊ जान बनने की? क्यों ठुमक ठुमक के नाच रहा था नीचे? अबे मैं नाचा? तूने गाना ही ऐसा गाया मेरे पैर खुद ब खुद उठ गए। मैं क्या करता? तेरे पैर उठ गए? भूल गया कि तेरे पैर भारी है गधे? साले रेपटा मारूंगा, मेरे पैर क्यों भारी होने लगे? सेठ जी के नजर में तेरे पैर भारी हैं, फिर क्यों उठाए तूने अपने पैर? तेरे पैर उठाने के कारण हमारे यहाँ से बाहर निकलने की नौबत आ गई है। क्या बकवास कर रहा है? सही तो कह रहा हूँ गधे, पहले तो तूने माँ बनने का नकली नाटक किया, उसके बाद सेठ जी को बेवकूफ बनाया, उसके बाद अश्लील औरतों की तरह नाच रहा था, फिर गिर गया, उसके बाद अब सोनोग्राफी की नौबत आ गई है। और अब जब कल सोनोग्राफी होगी ना दोनों पकड़े जाएंगे, जेल में जाएंगे, गोली मार देंगे। जीजाजी छत पर है। देखिए जी मैंने कुछ नहीं किया, अब ये सब इलायची जी का किया धरा है। इलायची जी आप समझाइए ना बुब्बू को। मालूम है बुब्बू कि सब कुछ इलायची जी का किया धरा है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना तुमने ऐसा क्यों किया? पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही हमसे। जीजाजी अगर आपका मेलो ड्रामा खत्म हो गया तो मैं कुछ बोलूं? हां बोलिए। मेरा मतलब है बोलिए। देखिए जीजाजी ये सब मैंने ना आपकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए किया था, समझे आप? तनख्वाह तो पता नहीं बढ़ेगी या नहीं, लेकिन हम ये छत और इस नौकरी से जरूर हाथ धो देंगे। मेरे यार कितना घबराते हो, कैसे मार दो दोनों हैं? दोनों भाभी कैसे मर दे आपके पति? जीजा जी कैसे मर दे, घबरा जाते हैं। अच्छा ये तो मर्द ही नहीं है क्या? मतलब बहुत डरपोक मर्द है ये। लेकिन आप चिंता मत कीजिए। हाँ। मैं बिल्कुल डरपोक नहीं हूँ। हाँ? जी अब आप ही हमें इस प्रॉब्लम से निकालिए, आपने हमें फंसाया तो अभी आपको ही निकालना पड़ेगा। जी मैं ही इस प्रॉब्लम से निकालूंगी जीजा जी, लेकिन वक्त तो दीजिए कुछ सोचने का है। जी अच्छा सुनिए ना, एक स्माइल दीजिए ना। हाँ। दिमाग जरा तेज चलता है मेरा। दे दूं, दे दूं। मेरे स्माइल करने से आपको आइडिया आएंगे। हाँ जी हाँ जी कीजिए। अच्छा अरे दीजिए ना प्यारी वाली सच्ची वाली। अरे रोमांटिक वाली जीजा जी, रोमांटिक वाली। कम ऑन कम ऑन। अरे छोड़ो नहीं बताना, नहीं बताना। अच्छा ठीक है कर रहे हैं, कर रहे हैं हम। इलायची जी हम मजाक कर रहे थे, हम करते हैं, हम करते हैं। लाइफ में टंटे हो रखे। अरे अरे बहुत
प्यारा इटियारा है। पापा पापा, अरे पापा उठो ना यार। पापा पापा, लहंगों पे जीएसटी लग गया है। क्या ना, ये क्या हो रहा है? मैं हम वो गठबंधन करेंगे, हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ऐसा लाइची कार का तेरी चश्मा दे। अरे यार, आप तो मीस से उठ ही नहीं रहे थे, इसलिए करना पड़ा। अरे क्यों उठाया तूने मुझे? पापा बहुत अर्जेंसी है। क्या? अरे जीजा जी के अंदर ना दादा जी की आत्मा घुस गई है। क्या? पंचम के अंदर बाबूजी की आत्मा? अरे लेकिन वो तो पंचम की बीवी, वो पिंटू है ना, उसके बेटे में थे। ये अचानक पंचम के अंदर कैसे घुस गई उनकी आत्मा? हाँ पापा, लेकिन वो आपको घसीटे घसीटे कह के बुलाते थे ना। अरे चिल्ला रहे बाहर, घसीटे को बुलाओ। हाँ, अरे क्या हुआ? कौन घसीटे को बुला रहा है? बाबूजी आए हैं। क्या, पहले महीने में ही पैदा हो गए? पैदा ना हुए हैं। हाँ। वो पंचम के अंदर उनकी आत्मा आई है, जब शुरू हो गई है। क्या बोल रहे हैं? मुझे क्या मालूम क्या बोल रहे हैं। चल बाहर चल के देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हाँ। चल 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 चल। हाँ। पता नहीं यार ये क्या ड्रामा चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये पता नहीं इलायची जी ने हमें कहां फंसा दिया। म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे, एक्टर बन गए। पता नहीं क्या करें हम। रे घसीटे के अपनी लुगाई के पल्लू में दुबक्के बैठा के कर रहा है भाई। भाई बाहर आ जा। ओ भाई भूतनी के, बाहर आ जा भाई। बाबूजी प्रणाम। जीता रहे भूतनी के घसीटे। वो तो ठीक है, लेकिन आप सबके सामने ये घसीटे घसीटे कह रहे हैं। ये बताइए कि आपने हरियाणवी कब सीख ली? ओके बात है घसीटे की, स्वर्ग में मारा चक्कर एक हरियाणवी और से चल रहा सा। उसने मने हरियाणवी सिखा दी, मैंने सीख ली। बाबूजी मरने के बाद भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं। ओ घसीटे, वो मर्द ही क्या जो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। और तू के दूर खड़ी घूर रही है गेंडी। मारा आशीर्वाद ले, मारे पैर छू। छू ना जाके। हाँ। मकरी निकाल दी। प्रणाम ससुर जी। हैं, बोलती रहो। और मेरा मतलब है फलती फूलती रहो यार। फलने फूलने की बात कर रहे हैं दादाजी। हाँ, मध्य की बात पे आइए ना प्लीज। हाँ? अरे हाँ बाबूजी, आप तो उसके वो उसकी बीवी के पेट में थे, फिर अचानक इस सरफरे के अंदर कैसे आ गए? वो मैं तुम्हें योग बताने आया हूँ भाइयों, कि मैं इब्न आरा। क्या? मैं इब्न आरा भाई। आप नहीं आ रहे? ना भाई। क्यों नहीं आ रहे ससुर जी? भाई वो के है कि दिल्ली की हवा में अब पहले जैसी बात ना रही है। दिल्ली की हवा खराब हो गई से, दिल्ली का वातावरण खराब हो गया से। पहले लोग एक साथ बैठा करते से, एक दूसरे के साथ काम करते से, लेकिन अब एक दूसरे का कत्ल करना चाहते हैं। ना भाई, सारे लोग लालची हो गए। मैं नारा अब। हाँ तो ठीक है ससुर जी, आप मत आइए, बस खजाने का पता बता दीजिए। यो देख अपनी लालची बीवी को, इसको मारी फिक्र ना है, इसको खजाने की फिक्र है। तो चुप रहे, बात करिए बेकार की। बाबूजी आप इसकी बातों में मत आइए, बस आप आ जाइए। ना भाई, मैं ना रहा। और भाई मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, यो पंचम छोरे की तनख्वाह कम नहीं करनी है,
यो मारा हुक्म है। ठीक है बाबूजी। यो जीता रहे और तू कम खाया कर। लगता है दादाजी चले गए। बाबूजी पंचम खुजरा ये सेठ जी हम नीचे कैसे आ गए? कब आ रहे हो चटंकी भैया? इस बार बड़ी लंबी लग गई। जल्दी आओ चटंकी भैया, तुम्हारी बहन तुम्हारी याद में आधी सूख गई। अरे आधी क्यों, पूरी सूख गई है। बात कर रही है बेकार की। अब घूर क्या रही है मुझे, खाएगी क्या? देखो जब मैं अपने भाई से बात करती हूँ ना तो अपनी मुंडी बीच में मत घुसेड़ा करो। और कौन होगा चटंकी भैया, वही है तुम्हारी बहन हुई। आ रहे हैं अगले महीने छूट के। अरे उससे कह दियो यहाँ ना फट गया वो। अरे चटंकी भैया तुम क्यों अपना मुंह खराब करते हो, इनके लिए तो मैं ही काफी हूँ। मुझे पता है गाली दे रहा होगा मुझे वो। तुम खुद ही समझदार हो। अरे गुद्दी तोड़ दूंगा तेरी, बता रहा हूँ मैं, समझ कर। हेलो हेलो, देखा फोन रख दिया, डर रहा मुझसे बात कर रहा बेकार की। अरे आजा 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 पिंटू बेटा, आजा आजा आजा। और बता सब ठीक है ना? अंकल जी कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ सुन्नू? वो ना आंटी हम डॉक्टर के पास गए थे ना भाभी की सोनोग्राफी करवाने के लिए। हाँ तो क्या निकला सोनोग्राफी में? कुछ नहीं निकला जी, गैस निकली। तो क्या ना बहुत गैस बनती है मेरे, तो गैस की वजह से पेट फूल गया था। कोई बात नहीं भाभी, आप ना एक दो महीने में फिर से ट्राई कर लेना। भाभी शर्मा गई, मैं देख कर आती हूँ। इस बेचारी को क्या पता कि पिताजी इसके पेट से उड़ गए और गैस छोड़ गए। अरे क्या हो गया करूं है? ऐसा हो जाता है, क्यों रो रही है तू? छोड़ना ठीक है। अरे तू भी ना है, अरे हंस दे। इलायची जी आप क्या जहां करी अंदर, आप हमारी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। हमने सेठ जी को झूठ बोला है कि हमारी तबीयत खराब है और हम डॉक्टर से मिलने गए हैं, डॉक्टर को दिखाने गए हैं। और अगर बस उन्होंने देख लिया हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारी बैंड बज जाएगी। इलायची जी आप चलिए ना। कुछ नहीं होगा जीजा जी, आप भी ना कितना परेशान होते हो। सुनो भाभी को तो आने दो ना। अब आगे अच्छा अच्छा जल्दी पिंटू सुन सेल्फी। अरे सुनीता जी अगर आपको सेल्फी से फुर्सत मिल जाए तो हम जा सकते हैं, जहाँ पे भी जाना है। जाना कहाँ है, करना क्या है? हम फिल्म देखने जा रहे हैं जीजा जी। फिल्म देखने जा रहे हैं? इलायची जी लेकिन आपको पता है ना कि हम। अरे बस करिए। हाँ पीना, एक तो मैंने आपको जेल जाने से बचाया है, पापा आपको जेल में ठूस देते पता है, इसके लिए इतनी ट्रीट तो बनती है ना जीजा जी। कैसे ना अभी ना जल्दी से चलो, पूजा टॉकीज में अमेजिंग सी पिक्चर लगी है, चलो। कौन सी फिल्म लगी है जी? चीचा पे मर गई साली पर जीजा निकला चाली। नहीं देखी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चलो 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 भाभी आप। बड़ी ठंड है यार।
चाहिए तो गर्म पानी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए ना एक रोमांटिक सा गाना सुनाना पड़ेगा। देखिए लाइची जी, गर्म पानी की जरूरत कमजोर या बूढ़े लोगों को होती होगी, हम जैसे नौजवानों को नहीं। धन्यवाद। तन क्या समझती अपने आप को? अरे यार, कुंडी तक नहीं लगवाते ये लोग। बहुत जवानी फूट रही है ना जीजा जी, एक लोटा ठंडा पानी तो बने दो, फिर पूरी जवानी अकड़ जाएगी। अरे यार, बड़ा ठंडा है यार, इतनी भी जवानी नहीं चढ़ी मुझे अभी। हाय हाय, काला टीका लगा लूं। मम्मी, मम्मी, पापा को जल्दी से भेजो, पानी गर्म हो गया है। अरे वो अभी कहाँ नहाते हैं इलायची, वो तो 12 बजे के बाद नहाते हैं। ओह अच्छा, फिर तो सारा गर्म पानी वेस्ट हो गया, वैसे भी कितनी सर्दी है, लेकिन मुझे क्या लेने देना है, मैं तो चली स्कूल। क्या करूं, नहीं लेता हूं यार, पानी तो वेस्ट हो रहा है। ये बाल्टी के बदले हम आपको गाना सुना देंगे, वैसे भी हम अपने फैंस को कभी निराश नहीं करते। अच्छा, बड़ा एहसान करते हैं आप ऐसा करके। थैंक यू जी। वैसे वो रोमांटिक वाला, हाँ? आवाज है यार, कौन गा रहे, जरा जागते हैं। इलायची, अरे ओ इलायची, दूध पिए बगैर मत जाइयो, ये ले। अरे लगता है फिर से दूध पिए बिना भाग गई। मजा आ रहा है छोटे, कल रात से कंधों में दर्द हो रहा था, पता है तूने हाथ लगाया तो ठंडक पड़ गई एकदम। अरे सेठ जी, ऐसा क्या काम ले लिया कंधों से तुमने जो कंधे इतने दर्द हो रहे हैं? अरे बुड्ढे हो रखे हैं, ग्रीस खत्म हो रही है। अच्छा तो सेठ जी चले जाओ, गैराज में चले जाओ, ग्रीस पड़वा लो। अरे छोटे, तूने का मोटर गाड़ी समझ रखा है कि गैराज में चले जाओ, ग्रीस पड़वा लो, बात कर रहा है बेकार की। अरे सेठ जी, मैं उस गैराज की बात ना कर रहा हूँ। अरे आगे वाले चौक पे जाके देखो, बढ़िया मसाज पार्लर खुला है। जगन का लौंडा बता रहा था, अरे कमाल का मसाज करती है, वो भी जड़ी बूटियों के तेल से। एक बार करवा लो सेठ जी, कसम से पूरे हल्के हो जाओगे। लहंगे की दुकान पे बैठोगे, लहंगा हल्का लगेगा तुम्हें।
सेठानी को पता लग गया तो मुझ पर भारी पड़ जाएगी है। जीना वाल कर देगी मेरा। इलायची कैसी है? तेरी। वैसे एक बात बताओ सेठ जी, तुम ना गए हो कभी मसाज पार्लर? अरे गए थे, सन्यासी में गए थे मुंबई। हाँ। तब मसाज करवाई थी मसाज पार्लर में। अच्छा। अरे लौंडे वो रखे थे यार तब। हमारा वो दोस्त भी था रंपत, वो भी गया था। किसी काम से गए थे क्या? ना, अमिताभ बच्चन को खून देने गए थे। क्या बात कर रहे तुम, अमिताभ को खून देने गए थे? हाँ हाँ, वो एक शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लगी थी ना, तब उन्हें खून की जरूरत पड़ गई थी। हम तो दीवाने वो रखे थे उनके, तो घर पे बगैर बताए चले गए बगलिया बम्बई, मैं और रंपत। तो फिर तुमने खून दिया सेठ जी? अरे कहाँ दे पाए छोटे, अस्पताल के बाहर गए तो बहुत लंबी लाइन खड़ी थी, लोग जो हाथ में खून की बोतल लेकर खड़े थे, हमने कहा बेकार है देना। हाँ, उस टाइम पे बड़ा क्रेज भी तो था अमिताभ का। अरे बड़ी जोरदार फिल्में आ रखी थी तो, मुकद्दर का सिकंदर और वो क्या कहते हैं वो कालिया और वो डॉन और वो आ रखी सोले। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर वाली। लेकिन मेरे हाथ तो बचा ले यार, तू थोड़ा तेजी में चल रहा है तुम्हें। बहुत तेज चल रहा है, थोड़ा महीन चल, महीन चल। करम तू, आराम से करम दो। वैसे एक बात बताऊं सेठ जी, आजकल ऐसी फिल्में ना बनती बिल्कुल, आजकल तो अश्लील फिल्में बनती हैं। अब देखो सीमा टॉकीज पे बकाबक चल रही है सेकंड हैंड जवानी। बड़ा दिलचस्प नाम हो रहा है यार, सेकंड हैंड जवानी। भैया हमने आज तक जो है सेकंड हैंड कार सुनी है, सेकंड हैंड बाइक सुनी है, सेकंड हैंड जवानी पहली बार सुन रहा हूँ मैं। अरे मुझे तो बड़ा खुद अजीब लगा था जब मैंने पहली बार ये नाम सुनीता और इलायची के मुंह से सुना था। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.